Assalamualaikum, welcome to student tube. आज के इस लेक्चर में चैप्टर 7 आई कॉम पार्ट 1 बिजनेस मैथ बुक है शाहिद जमाल की. चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट. क्वेश्चन है हमारे पास 7.85. तो यहाँ पर अब हम देखें तो इस इक्वेशन में y नहीं दिया हुआ. अब y नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ 7 ले लेंगे. इस इक्वेशन को हम ज़रा सा तरतीब देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू माइनस 7, वहाँ जाके प्लस का 7 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर y नहीं है, डैट मीन्स कि y क्या है, 0. तो y की जगह यानी कि जो b की वैल्यू होगी वो होगी 0. तो हम d लेते हैं, d होता है a1 और b1. सो 4, यहाँ पर x के पास कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, फिर माइनस 7 और y यहाँ b2 क्या है, 0. ठीक है, फिर dx c है 14, देन है 7 और फिर b1 इज़ माइनस 7 और b2 इज़ 0. फिर dy है 4, 1, 14 एंड 7. सो पहले d फाइंड करेंगे. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7. सो 4 0 जा 0 माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7. तो d आया 7. फिर dx, सो dx में 14 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7. सो 14 0 जा 0 माइनस माइनस प्लस 7 7 जा 49. तो आंसर आया 49. सो dy है, अब dy में 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 1. 7 4 जा 28 माइनस 14 1 जा 14. 28 में से 14 गए, 14 बचे. सो dx अपॉन d किसके लिए होता है, x की वैल्यू के लिए, और y की वैल्यू के लिए होता है dy अपॉन d. सो dx क्या है हमारे पास 49, d क्या है 7, dy है हमारे पास 14 और d क्या है 7. 7 1 जा 7, 7 7 जा 49. तो आंसर आया 7. और फिर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आंसर आया 2. तो आंसर है 7 और 2. तो ये था क्वेश्चन. उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा. वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आपने इसे करना है लाइक शेयर एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.